आज जो हो रहा है, जनक की जो शादी सिंदूर भरने की जो रस्म है वो सब कर रहे हैं, और उसमें फिर अप्पू आके बोल देती है कि कितनी सुंदर लग रही है और ये हमारी घर की बहू होती तो कितनी अच्छा होता। फिर वो ऑब्वियसली आरशी को भी वो थोड़ा सा चुभा कि अप्पू बार बार ये बात रिपीटेडली बोल के जाती है। तो आज इतना सा ही सीन किया है, कुछ कुछ और फ्लोर में अलग सीन्स है क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ। सो आई थिंक कल हमारे सीन होंगे अच्छे अच्छे। और फिर अब तो झनक तैयार होके बस नीचे आ रही है, असली ड्रामा तो नीचे ही होगा। तो अप्पू और ये सारे लोग झनक को तैयार करके नीचे जा रहे हैं। अब नीचे जाके में होगा मेन ड्रामा। हाँ, मतलब सारे मेरे को हर चीज में अंदर जाओ और डांटते रहते हैं। और मतलब ये भी होता है ना कि अप्पू इतना ऑकवर्ड कर देती है सिचुएशन को, कुछ भी बोलती है तो बाकी लोग एक्चुअली झनक का भी गुस्सा है और अप्पू का भी जो गुस्सा है साथ में अप्पू को वो डांट पड़ती है एक्चुअली। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्री तो फील करते ही है अपने खुद के अटायर में, बट अभी क्या हुआ है ना, लाइक मैं बहुत साल से लगभग मैं कोलकाता बॉम्बे मिला के हम 17-18 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। तो वो भी जब कैरेक्टर बन जाती हूँ ना और कुछ मतलब वो हो जाता है, मतलब इससे भी कभी कभी किसी कैरेक्टर में होता है इससे भी ज़्यादा हेवी अटायर पहनना पड़ता है, तो वो एक से माइंड सेट ऐसी आदत सी हो जाती है। फैन को मैं यही कहूँगी कि खूब सारा मेरे को देखिए और खूब 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 सारा प्यार दीजिए, ताकि ये और ज़्यादा इंटरव्यूज़ और ज़्यादा अच्छे अच्छे काम मैं कर सकूँ और उसका इंस्पिरेशन मुझे मिल सके। वो तो अप्पू को पता नहीं है, वो तो जो राइटर डायरेक्टर है उनको ही पता है, पर सीरियल का कुछ कह तो नहीं सकते आगे जाके क्या होगा। आपको कैसे देखना है अप्पू को ये भी बताइए आप लोग। आज मैं जो भी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ भी जो भी हूँ वो मेरे फैंस की वजह से हूँ। मतलब वैसे फैंस तो नहीं बोलूँगी, पर मैंने जितना भी जो भी काम किया है छोटा बड़ा, ये फर्स्ट टाइम मेरी नेशनल टेलीविज़न में ये फर्स्ट टाइम मेरा काम आ रहा है, तो ये एक महीने की टेलीकास्ट में ही मेरे फैंस ने, जो मेरे दर्शक है, तो उन्हीं ने मेरे को अप्पू बनाया एक्चुअली। जो आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं मेरे सीन देखने के लिए, आप बोल रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा मेरा सीन आ रहा है। सो मैं जो भी हूँ वो आपके लिए ही हूँ, और आपका जो आशीर्वाद है उसका हाथ मेरे सर पे बनाए रखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। देखिए मैं जब सीन करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो कभी कभी होता है बहुत हल्का सीन भी मुझे टच कर जाता है, पर मुझे रिस्पॉन्स जो मिला वो सबसे अच्छा मिला, वो एक सीन किया था हमने जिसमें हम पनीर और फ्राइड राइस खा रही हूँ मैं और मुझे खाने नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर मुझे इतना रियल एक्सप्रेशन मिला। मुझे 2-4 लोगों ने तो ऐसे बोला ही है कि तुझसे अब जब मिलूंगी ना तेरे को फ्राइड राइस खिलाऊंगी, ऐसे कैसे कर दिया तेरे से। लाइक जो मेरे फ्रेंड है जो लाइक जानते हैं मैं ये काम, ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग कर रही हूँ, उनको भी इतना छू गया और दर्शकों को भी, उस सीन का बहुत ज़्यादा फीडबैक अच्छा मिला है मुझे। तो आई थिंक दैट सीन। I am Ankita Chakravarti and you're watching Glitter and Glamour.